बैठ जाए। ये करिए कि कलाबाजी लगाए, ठीक है लगाएगी, आवाम में से वापस कैसे आएगी ये? यहाँ मैंने कहा था आपको कि आप लोगों को अपने अपने पार्टनर्स बना लेने। उस वक्त झटका लग गया क्योंकि हमने किसी ने कोई कुछ डिसाइड नहीं किया था कि कौन किसके साथ कपल बनाएगा, कौन किसका पार्टनर एक साथ बैठ जाए। अब मैं किसी को इतना जानती नहीं थी तो मैंने प्रेफरेंस दी पहला कि मुझे जो है वो शक्ल देखनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने चेक करना शुरू किया लड़कों को, तो लड़के तो सारे डगे एक नंबर के, किसी की शक्ल अच्छी नहीं, सॉरी टू से, पर शक्ल किसी की अच्छी नहीं थी। मैं हिम्मत जताई तो मैं जाके निमरा को बह गया, डरे भी कितने यार बिस्ती ना कर दे। जब कपल बनाने की बारी आई तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी माजिद के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो बस मैं जाके जल्दी से माजिद के साथ फिर बैठ गई। मुझे पहले से ही पता था कि वकार भाई ने यही काम करना है, इसलिए मेरा पहले से ही कपल बना हुआ था, इसलिए मैंने नौशीन को कह दिया आ जाओ जानू। हाय ला। तो सारे एक दूसरे के पास बैठना शुरू हो गए, मैं वहीं पर बैठा रहा तो अचानक मैंने क्या देखा कि एक हवा का झोंका आ रहा है, वो आके मेरी तरफ बैठ गया। मैंने कहा यह हवा का झोंका है, देखे तो मैं यूं मुड़ा, हुमा यार देख के बहुत हैरान हुआ। जब पार्टनर्स की बारी आई मैं अपनी जगह बैठा रहा, एक तरफ से देखा तू बॉ उठ के आने लगी मेरे बराबर में आके बैठी, अंदर देख कैसे सी आई कि यार चलो बॉस कोई बच्ची तो आई। पार्टी में जो मुझे सूटेबल लगी वो एक ही लड़की थी, किरण भट्ट, हम लोग सरदार हैं, वो भट्ट हैं, दोनों कश्मीर के थे। मैंने कहा यार चलो हम लोग पार्टनर बन जाते। बस उस वक्त एक हड़बड़ मच गई थी और जिसको जहाँ जगह मिली वो उसके साथ बैठ गया। अब बेसिकली पहले मैं ये सोच रहा था शायद पार्टनर्स नहीं बनेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों में से किसी ना किसी को उस पर प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए था कि पार्टनर्स नहीं बनाने वकार, हमें डेटिंग शो नहीं है ये, डेटिंग शो है। एक तो मुझे वकार लगा कि ये ना ब्रेकिंग न्यूज समझ में नहीं आती, कभी कहता है कपल बनाओ, फिर जब कपल बना लो तो कहते हैं कि तुम यहाँ तुम लोग यहाँ पे क्या, ये क्यों डेटिंग शो है तो कपल क्यों बनाए, तो कभी कहते हैं कपल बनाओ, कभी कहते हैं नहीं बनाओ, इसकी बातें ना हम लोगों के तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है लिटरली। अबे यार खुद बोलते हो कि कपल बना लो और खुद बोलते हो कि ये कोई डेटिंग शो नहीं चल रहा, आपने कपल बना लिया यहाँ पे। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, अगर ना करते तब भी यही बोल, तब ये बोलता कि क्यों नहीं किया, मैंने बोला था क्यों नहीं कर रहे, क्यों बनाए। अगर आप में से कोई एक भी ये कह देता कि यार पार्टनर्स नहीं बनेंगे तो मैं कहता चलो ठीक है नहीं बनने चाहिए। सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार वो कार भाई ने अभी कहा है कपल बनाने हैं, लेकिन वो कार भाई ने कहा कि अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ कपल नहीं बनाते तो ठीक है खत्म हो जाता, लेकिन बन गए थे कपल, अब क्या करना था। लेकिन फिर उसके बाद जब वकार ने रीजन दिया तो वो बहुत ज्यादा वैलिड रीजन था कि हाँ ठीक है, उसने जो भी बात बोलनी है तो हमें सोचना तो एटलीस्ट चाहिए कि करनी है या नहीं करनी, हम भी बस बोला और खट से शुरू हो जाते दिमाग विमाग यूज किए बगैर। शुरू में मैंने आपको एक हिंट दी थी कि यहाँ पर जो फ्री स्टाइल ब्लड वाले आए हुए हैं वो शायद कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करें, तो अब वो अपना रोल प्ले करेंगे। अब होगा ये कि इन चारों में से एक एक बंदा यहाँ आएगा, वो आपके साथ एक एक मूव करेगा, जो मूव वो कर रहे हैं, जो पार्टनर्स इस वक्त साथ हैं वो दोनों एक साथ वो चीज़ करेंगे। भाई डेयर की तो कोई मुझे टेंशन थी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ डेयर करने आए हैं तो वो तो करेंगे ही, डेयर की वैसे भी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बेशक वो पहाड़ चढ़वा दें या हमें डांस करवा लें, बात एक ही है। मुझे पता है मुश्किल है, मुझे पता है आसान नहीं है। हमारा नेक्स्ट डेयर ये था कि हमको फ्री स्टाइल डांसर की तरह एक स्टेप करके दिखाना था, बहरहाल ये एक डेयर था हमको करना था, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो सकता है आपने 10% परफॉर्म किया हो, लेकिन ये कह नहीं इन्होंने एफर्ट दिखाई है, तो आपका नेक्स्ट चैलेंज यही है।
मैं तो बहुत खुश थी कि यार बी वो स्टेप करना पड़ेगा, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो तो मैं यूं कर दूंगी। लेकिन एक टेंशन फिर, मेरे कपड़े नहीं थे ना सही, स्कर्ट पहन लिया मैंने। अब मैं उस वक्त मंजली मची हुई थी कि किस तरह से मुझे जीन्स मिल जाए, मैं जीन्स पहन लूँ और ये स्कर्ट उतार दूँ। फ्री स्टाइल ब्लड वालों में से कोई एक यहाँ आ जाए। अखबार ने बताया कि एक ग्रुप है फ्री स्टाइल ब्लड के नाम से जो हिप हॉप वगैरह करता है, उसको हमने फॉलो करना है, वो डांस करेंगे, हमने उसके स्टेप्स कॉपी करना है। मुदस्सिर और निमरा जाएंगे पहले, और जितना आप लोग हंस रहे हैं ना एलिमिनेशन के वक्त उतना रो रहे होंगे। आ जाए